हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कश्यप ब्लॉग में। आज हम जाने वाले हैं पटना के न्यू बस स्टैंड के पास, और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ व्यू है वो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। राजधानी पटना में बस अड्डा का निर्माण बहुत ही तेजी से चल रहा है। माना जा रहा है कि इस महीने के आखिरी में यह बनकर तैयार हो जाएगा। यह अड्डा 0 माइल से आधा किलोमीटर दूर पटना गया रोड पर रामाचक बेड़िया पर बन रहा है। नगर विकास और आवास विभाग ने टर्मिनल के सभी काम को अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिया है, और विभाग की कोशिश है कि सितंबर में टर्मिनल का उद्घाटन कर लोगों को सौंप दिया जाए। और ये राज्य का पहला हाईटेक अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल है। यहाँ से दूसरे राज्यों के लिए बस चले। ये बस टर्मिनल 25 एकड़ में फैला होगा और 8 मंजिलों का होगा, जिसमें नीचे गाड़ियाँ और ऊपर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, यात्रियों के लिए अत्याधुनिक वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, बाथरूम एवं पानी का भी व्यवस्था होगा। और इस प्रोजेक्ट में 332 करोड़ का खर्च आएगा। और खास बात यह है कि इसमें कॉमर्शियल मार्केट, सिनेमा हॉल, बाजार के रेलवे स्टेशन की तरफ रुकने की व्यवस्था आदि होगी। साथ ही साथ फ्री वाईफाई की सेवा से लैस होगा। ISBT भविष्य में पटना मेट्रो से भी जुड़ जाएगा, ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो सके। और यहां से करीब 2-3 हज़ार बसों का परिचालन संभव हो सकेगा। बस टर्मिनल के चालू होने के बाद पटना में बसों का प्रवेश बंद हो जाएगा, सभी बसें टर्मिनल से ही खुलेगी। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों का आना जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो में बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।